ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने और ये मैं क्लच को धीरे धीरे छोड़ूंगा। ये देख सकते हैं ये मैंने क्लच को छोड़ा, मेरी गाड़ी रनिंग हो गई है, ये मेरे पैर हैं, गाड़ी मेरी चल रही है, आगे आप दिखा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फ्रेंड हूं मिराज को देखा फैन है वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपको ये गाड़ी चला करके दिखाऊंगा। ये जो मेरे सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है ये मैं आपको चला कर दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा गाड़ी चलाने का सबसे अच्छा तरीका। बिल्कुल इससे आसान तरीका आपको ना किसी यूट्यूबर ने सिखाया होगा ना ही आज तक किसी यूट्यूबर का आपने इस तरीके का वीडियो देखा होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखना है कि हमको सीट जो होती है सीट को पहले आगे करके सेट कर लेना, क्योंकि जितने पास रहेगा उतना सही रहेगा आपको चलाने के लिए। सबसे पहला ये इस चीज का ध्यान रखना है और मैं अभी आपको सीट को पीछे करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, आज तक इस ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी गाड़ी चलाने की सबसे अच्छी ट्रिक। और ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रक से सीखे, आप एक फोर व्हीलर भी चला सकते हैं मेरी ट्रिक से, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। इस ट्रिक से आप फोर व्हीलर भी चला सकते हैं और ट्रक भी चला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हम सबसे पहले सीट को आगे करता हूँ। आगे कर ली ये मैंने सीट को और यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लिया। अब दोस्तों स्टार्ट कर लिया है मैंने अपनी गाड़ी को और उसके बाद में आपको तो ये भी नहीं पता होगा अभी दोस्तों गियर कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गियर हमेशा देखना है इस तरीके से, ये न्यूट्रल होता है। आप देखेंगे किसी भी गाड़ी में फोर व्हीलर हो चाहे कोई भी गाड़ी हो, इस तरीके से न्यूट्रल देखना है सबसे पहला काम है। ये इस तरीके से ये न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद में एक और चीज मैं आपको बताऊं, भारत में चाहे कोई भी गाड़ी हो, दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, वो गाड़ी हमेशा ये जो गियर है, मैं आपको गियर दिखाता हूँ, गियर का लगाने का ट्रिक बताता हूँ। किसी भी गाड़ी में यहाँ पर आप दिखाओ इस तरीके से इसमें गियर होंगे, देख सकते हैं ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर और ये रिवर्स। तो अब मैं लगाने बताता हूँ। और भारत में मैंने जो कह रहा था आपसे कि भारत में जो भी गाड़ी हो, आज तक कोई भी गाड़ी हो, वो गाड़ी हमेशा तीन नंबर गियर में रहती है। मतलब यहाँ पर न्यूट्रल ऐसे करके देखेंगे, यदि उसके सामने ऐसे करके मैंने गियर लगाया तो ये थर्ड गियर लगेगा, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कुछ भी हो, लीवर हमेशा खड़ा रहता है तीन नंबर गियर में, मतलब न्यूट्रल में रहता है। न्यूट्रल के बाद में जैसे ही अपन आगे गियर लगा देंगे थर्ड गियर लगेगा। यदि आप ड्राइवर हो तो आप ये ट्रिक अजमा के देखना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के बाद में जैसे ही आप इसको आगे कर दोगे ये थर्ड गियर लग जाएगा, ऐसे करके ये थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर। अब आपको मैं फर्स्ट गियर लगाना बता दूं, फर्स्ट गियर लगता है थोड़ा सा लीवर को उस साइड ले गए, ये लीवर को देखा पहले न्यूट्रल देख लिया, ये न्यूट्रल है और इसको इस साइड ले गए और आगे कर दिया तो ये हो गया फर्स्ट गियर, और उसी के जस्ट पीछे कर दिया तो सेकंड गियर हो गया। और मैंने आपको बताया हमेशा गियर थर्ड गियर में खड़ा रहता है, न्यूट्रल जब भी रहेगा थर्ड गियर बिल्कुल जस्ट, ये थर्ड गियर और ये फोर्थ गियर। और फिफ्थ गियर लगाना तो लीवर को अपने पास में खींच लो, ऐसे करके अपने पास में खींचा, ये फिफ्थ गियर और ये हो गया सिक्स्थ गियर, ये हो गया गियर। गियर आपने समझ लिया। और आपको अब मैं इसी जगह में हैंड ब्रेक का सिस्टम बता दूं, तो हैंड ब्रेक हमेशा यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ऑफ और ऑन रहता है। यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से, थोड़ा सा पास करके दिखा दीजिए, ये यहाँ पर ये ऑफ है, ये ऑन है, तो ये नीचे हैगा, ऑन हैगा, इसको ऊपर कर दिया ऑफ हो जाएगा, ये इस तरीके से ये ऑफ हो गया। अब मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले गाड़ी को हमने स्टार्ट करा, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब स्टार्ट होने के बाद में मैंने आपको गियर आपको सिखाया था, ये फर्स्ट गियर लगाया। और यदि आप यहाँ पर देखें तो मैं देखिए देख दोस्तों, मैं आपको सीट पीछे करके दिखाता हूँ, ये मैंने पैर अपना पीछे कर लिया, एक पैर मेरा पीछे है। अब आपको इससे आसान ट्रिक कभी नहीं बता, कोई नहीं बता पाएगा। ये मैं धीरे धीरे क्लिच को छोड़ूंगा और मेरी गाड़ी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं। बस हमारा काम है स्टेयरिंग संभालना, गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है। यदि आप सामने दिखाएं तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी रनिंग हो चुकी है दोस्तों। इससे आसान तरीका कोई नहीं है, कुछ नहीं करना। और रोकने के लिए हमको पहले क्लिच दबा लेना फिर ब्रेक दबा लेना है। ये गाड़ी हमारी रुक गई, अब इसी जगह में हमको गाड़ी बढ़ाना है। तो ये हमने लगाया फर्स्ट गियर और देख सकते हैं ये पैर मैं पीछे कर देता हूँ, ये पैर मैंने पीछे कर लिया, ये देख सकते हैं हवा में है, यहाँ पर दिखा दीजिए, मैं एक ही पैर यूज कर रहा हूँ। और ये मैंने धीरे धीरे क्लिच को छोड़ना है, धीरे धीरे क्लिच को आप छोड़ोगे, जितना धीरे छोड़ोगे उतने ही प्यार से गाड़ी उठेगी। ये देख सकते हैं गाड़ी मेरी चलने लगी, आगे दिखा सकते हो, ये गाड़ी चल रही है। दोस्तों गाड़ी चलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, यदि यहाँ पर आप दिखाओ ये देख सकते हो, मैं ये बैठा हूँ नॉर्मल, ये मेरी गाड़ी रनिंग हो रही है। आगे दिखा दो, रनिंग हो रही है, मेरे को दिखाओ पूरा, मेरा पैर कहाँ है,
ये देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं। हमको स्टीयरिंग संभालने का काम है। आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, क्लिच को इस तरीके से छोड़ना, धीरे से छोड़ोगे, जितने धीरे से आप क्लिच को छोड़ोगे उतने ही आराम से गाड़ी उठेगी। ये देख सकते हैं, ये है मेरे पैर, ये है मेरा हाथ और ये गाड़ी चल रही है। आगे दिखा दो, गाड़ी चल रही है, यहाँ पर दिखाओ, इस साइड से देखिएगा, ये देख सकते हो गाड़ी ये चल रही है, मैं ये बैठा हूँ। दोस्तों इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं है, सबसे आसान एक और बार मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है हमको। ये क्लिच दबा के ब्रेक दबाया, ये गाड़ी रुक गई है, ये गाड़ी मेरी रुकी है, कुछ नहीं करना है। हमारी ये गाड़ी रुकी हुई है, हमने गाड़ी को स्टार्ट करा, मेरी गाड़ी तो स्टार्ट है, खैर हमने गाड़ी को स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद ये मैंने क्लिच दबाया, ये मेरा पैर देख सकते हैं, ये मैंने पीछे कर लिया पैर, ना मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा ना मैं ब्रेक दबाऊंगा, मैं ये गियर लगाऊंगा और धीरे धीरे क्लिच को छोड़ूंगा। देख सकते हैं, ये मैंने क्लिच को छोड़ा और ये मेरी गाड़ी रनिंग हो गई, देख सकते हैं ये चल रही मेरी गाड़ी, आप देख सकते हैं। मेरे को मेरा काम है सिर्फ स्टीयरिंग संभालना, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी, दिखा रहे गाड़ी चल रही है, चल रही है या नहीं चल रही है, गाड़ी चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये मेरा पैर है, ये मैं ऐसे बैठा हूँ तो भी गाड़ी चल रही है। और रोकने की ट्रिक, सबसे पहले क्लिच दबाया, ये ब्रेक दबाया। दोस्तों यदि आपके पास गाड़ी हो या आपको कोई सिखाना चाहे उसको बोल दो कि हाँ मेरे पे बनती है गाड़ी। और सबसे अच्छा ट्रिक यही है, ये जो है गाड़ी स्टार्ट करा, फर्स्ट गियर लगाया, ऐसे करके ये फर्स्ट गियर लग गया इसका, और ये धीरे धीरे क्लिच को छोड़ना है हमको। ये मैंने क्लिच को छोड़ दिया, ये मेरी गाड़ी रनिंग हो गई है, ये देख सकते हैं। हाँ यदि मेरे को उसको तेज चलाना है तो फिर मैं एक्सीलेटर भी दबाऊंगा। अब ये गाड़ी मेरी तेज चल रही है, देख सकते हैं। और यदि किसी जगह में सेकंड गियर लगा के चलाऊंगा तो और तेज चलेगी। आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, सीखने की इससे अच्छी ट्रिक कुछ नहीं है दोस्तों, ना आज तक किसी यूट्यूबर ने सिखाई होगी। ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट गियर लगाया मैंने और ये मैं क्लिच को धीरे धीरे छोड़ूंगा। ये देख सकते हैं, ये मैंने क्लिच को छोड़ा, मेरी गाड़ी रनिंग हो गई है, ये मेरे पैर हैं, गाड़ी मेरी चल रही है। आगे आप दिखा सकते हो। इसके बाद में दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को, भारत माता की जय दोस्तों।